राजस्थान राज्य में डिजिटल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया है, जिससे कंप्यूटर प्रशिक्षकों की जिसमें कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की मांग बढ़ाने में मदद मिली है। राज्य सरकार कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करती है, जिससे उन्हें क्षेत्र में अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने में मदद मिलती है। कुल मिलाकर राजस्थान में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर यानी कि कंप्यूटर अनुदेशक की मांग आने वाले वर्षों में बढ़ने की उम्मीद है। तो इस वीडियो में हम कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की सैलरी कितनी होती है यानी कि कंप्यूटर अनुदेशक कितना कमाते हैं, इस पर डिटेल में बात करने वाले हैं। हे गाइस, मैं हूं पूजा, आप देख रहे हैं ग्रोसरी स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में जानेंगे कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर उन व्यक्तियों को कहते हैं जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में जानकारी रखते हैं और उन्हें अन्य लोगों को सिखाने में सक्षम होते हैं। वे उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं जो कंप्यूटर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, जैसे कि स्कूल, कॉलेज या कंपनी के कर्मचारी होते हैं। और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बनने के लिए कम से कम एक बैचलर डिग्री आवश्यक होती है, जो कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या संचार यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदि में किसी एक में हो सकती है। अधिक उन्नत स्तर की पढ़ाई जैसे कि मास्टर्स डिग्री, डिप्लोमा भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बनने के लिए उपयुक्त होते हैं। एक बार शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में अच्छे से ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है और कुछ कंपनियां या संस्थान भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो ट्रेनिंग है देते हैं। तो चलिए जानते हैं सैलरी के बारे में। राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर सैलरी जो होती है, उम्मीदवार की योग्यता, उनका एक्सपीरियंस, पोस्टिंग के स्थान और राजस्थान द्वारा दी गई भत्ते पर निर्भर करते हैं। यह इन कारकों के दर पर कुछ हद तक भिन्न हो सकते हैं। आमतौर पर राजस्थान में कंप्यूटर निदेशक के लिए जो वेतन होता है बेसिकली 20,000 से 35,000 प्रति माह होता है। और अलाउंस यानी कि भत्ते आदि की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको डियरनेस डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता मिलता है, जो बेसिक पे का 34% आपको करंटली मिल जाता है। और एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिलता है यानी कि जिसको हम कहते हैं मकान किराया, उसमें आपको 8 से 16% मिल जाता है। 16% आपको बेसिक पे का जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा जैसी बड़ी सिटीज़ के लिए मिलता है और 8% आपको अदर सिटीज़ जो होती है राजस्थान की उनके लिए मिल जाता है आपको। और कंपेंसेटरी सिटी अलाउंस भी मिलता है जी अगर आप एप्लीकेबल हो, ये आपको 320 से 620 रुपए तक मिल जाता है, ऐड हो जाता है सैलरी में। और राजस्थान बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की सैलरी पर पहले हम बात करते हैं यानी कि जो फ्रेशर्स होते हैं, उसके बाद हम वरिष्ठ कंप्यूटर निदेशक की बात करेंगे। फ्रेशर उम्मीदवारों को 2 वर्षों की यानी कि प्रोबेशन पीरियड के तहत रखा जाता है, जिसके दौरान उन्हें 18,500 प्रति माह का निश्चित रूप से जो है वेतन दिया जाता है। और प्रोबेशन पीरियड सफल समापन के बाद उम्मीदवार को वेतनमान स्तर 8 के अनुसार वेतन दिया जाता है। और इस पद पर नियमित होने के बाद बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का वेतन लेवल 8 के हिसाब से 5,200 से 20,200 होता है और ग्रेड पे इनको 2,800 दी जाती है। और इस वेतनमान में शुरुआती मूल वेतन जो बनता है उनको 26,300 प्रति माह मिलता है और ये मूल वेतन जो होता है 83,500 तक पहुंचने तक बढ़ता रहता है हर साल। और जब सभी भत्ते मूल वेतन में जुड़ जाते हैं तो उनका कुल वेतन जो है बनता है। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको प्रोबेशन पीरियड के दौरान स्केल आपको यहाँ पे लेवल 8 के हिसाब से 5,200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे आपको 2,800 मिलेगा और स्टार्टिंग बेसिक पे आपको यहाँ पे 26,300 पर मंथ और स्टार्टिंग टोटल सैलरी आपको प्रोबेशन पीरियड के बाद अराउंड 36,000 से लेकर 40,000 पर मंथ। और डिडक्शन कटौतियों की बात करी जाए तो आपको यहाँ पे 3,500 की कटौतियाँ हो जाती हैं और इसके बाद जो नेट स्टार्टिंग पर मंथ सैलरी बनती है आपकी वो बनती है 32,500 से लेकर 36,500 पर मंथ। और लास्ट बेसिक पे आपकी इस पर 83,500 पर मंथ तक पहुँच जाती है। अब बात करते हैं वरिष्ठ कंप्यूटर निदेशक यानी कि राजस्थान के सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स की सैलरी। न्यूली उम्मीदवारों को 2 वर्षों की प्रवीक्षा अवधि यानी कि प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है, जिसके दौरान उन्हें निश्चित रूप से
23,700 प्रति माह मिलता है, और प्रोबेशन पीरियड के बाद उम्मीदवार को वेतनमान लेवल 10 के अनुसार सैलरी दी जाती है, और इस पद पर नियमित होने के बाद वरिष्ठ कंप्यूटर प्रवेशक का वेतन जो होता है 10 लेवल के हिसाब से 9,300 से 34,800 के हिसाब से ग्रेड पे आपको 3,600 मिलेगी, और इस वेतनमान में शुरुआती मूल वेतन आपको 33,800 प्रति माह, और यह मूल वेतन आपको 1,67,000 तक पहुंचने तक बढ़ता रहेगा। और सैलरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, आपको प्रोबेशन पीरियड के दौरान 23,700 पर मंथ, और पे स्केल यहाँ पे आपकी 10 के लेवल 10 के हिसाब से 9,300 से 34,800 रहेगी, और ग्रेड पे आपका यहाँ पे 3,600 रहने वाला है। स्टार्टिंग बेसिक पे आपकी 33,800 पर मंथ रहेगी, और स्टार्टिंग आपकी टोटल सैलरी प्रोबेशन पीरियड के बाद अराउंड 50,000 से लेकर 55,000 तक बनती है, और डिडक्शन आपकी यहाँ पे 4,500 की कटौतियाँ हो जाएंगी, और नेट स्टार्टिंग सैलरी पर मंथ की बात करें तो 45,000 से लेकर 50,000 प्लस पर मंथ आपकी सैलरी बनती है, और ये लास्ट बेसिक पे आपकी यहाँ पे इस पोस्ट पर वरिष्ठ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पर 1,67,000 तक पर मंथ पहुँच जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की सैलरी की डिटेल्स, जिसमें हमने आपको बेसिक और सीनियर लेवल की सैलरी के बारे में बात की। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, इसको लाइक करने के साथ साथ फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की नॉलेज और वीडियो के लिंक मिलते रहें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।